महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में औरंगाबाद निर्वाचन क्षेत्र में 13 मई को मतदान होगा। सोमवार को औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में नाम वापसी के बाद अब कुल 37 उम्मीदवार मैदान में है। यहां शिवसेना शिवसेना यूबीटी और एआईएमआईएम के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। एक चुनाव अधिकारी ने सोमवार को कहा कि इस सीट से 44 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन जमा किया था, लेकिन नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन 7 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिया। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में औरंगाबाद निर्वाचन क्षेत्र में 13 मई को मतदान होगा। सोमवार को औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में नाम वापसी के बाद अब कुल 37 उम्मीदवार मैदान में है। यहां शिवसेना शिवसेना यूबीटी और एआईएमआईएम के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। एक चुनाव अधिकारी ने सोमवार को कहा कि इस सीट से 44 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन जमा किया था, लेकिन नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन 7 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिया। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में औरंगाबाद निर्वाचन क्षेत्र में 13 मई को मतदान होगा। सोमवार को औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में नाम वापसी के बाद अब कुल 37 उम्मीदवार मैदान में है। यहां शिवसेना शिवसेना यूबीटी और एआईएमआईएम के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। एक चुनाव अधिकारी ने सोमवार को कहा कि इस सीट से 44 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन जमा किया था, लेकिन नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन 7 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिया।